एक ही कीट से इस आकर्षक फूल को सबसे ज्यादा खतरा होता है, वह है स्पाइडर माइट्स यानी मकड़ी। इसके नियंत्रण के लिए 3 ग्राम प्रति लीटर सल्फर पाउडर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस फूल में लगने वाले रोगों में प्रमुख हैं एंथ्रेक्नोज। इस रोग से बचाव के लिए 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी का घोल बनाकर छिड़काव करें। बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणुज मलानी रोग से बचाव के लिए 0.2 ग्राम या 0.2 ml प्रति लीटर पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन का छिड़काव करें। अब एंथूरियम की तुड़ाई से संबंधित सावधानियों के बारे में बात करते हैं। दरअसल पौधे रोपण के बाद 6 से 8 महीने में फूल आने लगते हैं। जब स्पैडिक्स का 1/3 रंग बदल जाए या स्पैडिक्स या स्पेस के बीच 45 डिग्री का इस प्रकार का कोण बन जाए तब फूलों की तुड़ाई करनी चाहिए। इसकी उपज क्षमता 6 से 8 फूल प्रति पौधा प्रति वर्ष है। किसान भाई, अब इसकी खेती में लगने वाले लागत और मुनाफे की बात करें तो 500 वर्ग मीटर में एंथूरियम की खेती करते हैं तो दूसरे साल से आप आमदनी ले सकते हैं। पहले वर्ष में आपको लगभग 2,64,000 रुपये की लागत आएगी, जिससे कि आप दूसरे साल में लगभग 27,000 रुपये का शुद्ध आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे वर्ष में यह बढ़कर लगभग 1,11,000 और चौथे वर्ष से शुद्ध आमदनी बढ़कर लगभग 1,60,000 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप पैसा लगाते हैं तो 6 साल तक इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।